नमस्कार भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 में ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग जो जो डाउट आपके मन में उठते हैं कि फाइनेंशियल ईयर किस ईयर का होना चाहिए या आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, वैलिड ईयर क्या होना चाहिए, किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए और बात करेंगे कि आपका सर्टिफिकेट का लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश किस में होना चाहिए या यदि आपका सर्टिफिकेट का लैंग्वेज हिंदी में है तो क्या दिक्कत हो सकती है। EWS के रिगार्डिंग आपके मन में काफ़ी सारे डाउट के लिए मैंने एक पोस्ट किया था और वहाँ पर मैंने बोला था कि यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। इस तरह वहाँ पर 10 से अधिक कमेंट हमको मिले हैं, उसका भी रिप्लाई मैं इस वीडियो के एंड तक दे दूंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि SSC में जो आपका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखिए, ये SSC का EWS के बेस पर फर्स्ट एग्ज़ाम है तो इसमें पिछले किसी भी ईयर के कंपेयर करना बिल्कुल गलत रहेगा। हाँ, हम लोग SSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, SSC का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाल ही में CGL का हुआ, CHSL का हुआ, MTS, उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि आपका EWS सर्टिफिकेट का फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर और फॉर्मेट और लैंग्वेज को लेकर क्या इशू हो सकता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो SSC के माध्यम से होगी तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहने के चांसेस हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक अनुमान लगाकर अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन जो लास्ट डिसीजन है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन होना चाहिए। आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सब चीज़ें मान के चलनी है, फिर भी कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर आपको यहाँ पर चीज़ें बतलाई जाएगी। देखिए, बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में। आपकी जो वैकेंसी है 2021 में आई है, ठीक है, 2021 में 31 अगस्त को आई थी, तो 31 अगस्त 2021 को आपकी वैकेंसी आई है, तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 2021 के अकॉर्डिंग देखते हुए यहाँ पर आपका 2021 से 22 होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात हो रही है तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर होगा 2020 से 21 होना चाहिए, 2020-21, ठीक है। अब बात करते हैं वैलिड ईयर के लिए, तो जो आपका वैलिड ईयर होता है वो 2021 से 22 होना चाहिए। आप किस 2021 के लिए जो आपका वैलिड ईयर होगा 2021 से 22, मैं आपको समझा दूंगा कि वैलिड ईयर क्या होता है और सर्टिफिकेट में कहाँ पे लिखा रहता है। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर है आपके सर्टिफिकेट के नीचे लिखा रहता है, ये आपको बताया जाता है कि हाँ इस ईयर के आधार पर आपका सर्टिफिकेट तैयार हुआ। तो पिछले साल 2020-21 के आधार पर, 2020-21 के आधार पर जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ, जो साल 2021 और 22 के लिए वैलिड है, तो आपकी जो वैकेंसी है जीडी 31 अगस्त को आई थी, तो ये इस ड्यूरेशन के बीच में है। 2021 जो आपका मार्च से शुरू हो जाएगा और 2022, ठीक है, यहाँ तक 2021-22 आपका जो वैलिड ईयर है ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहेगा, जो सबसे ऊपर लिखा रहता है वैलिड ईयर, वहाँ पर आपका 21-22 होना चाहिए। जो फाइनेंशियल ईयर है जिसके आधार पर सर्टिफिकेट बनाया जाता है, ये आपके सर्टिफिकेट के नीचे लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि आपका सर्टिफिकेट के फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, वैलिड ईयर क्या होगा। अब बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। देखिए, SSC के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि आपको सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनाना चाहिए। जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें जो क्रिटेरिया दिया गया है वो सेंट्रल का है। तो देखिए, फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो उसमें क्रिटेरिया दिया गया है वो होना चाहिए। तो आपके सर्टिफिकेट में SSC के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्रिटेरिया है वो होना चाहिए। जो उसमें क्रिटेरिया दिया गया है वो सेंट्रल का ही दिया गया। तो यदि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आपका फॉर्मेट जो है SSC के अकॉर्डिंग हो या किसी भी अकॉर्डिंग हो, लेकिन उसमें जो क्रिटेरिया होगा सेंट्रल का होना चाहिए और आपके सर्टिफिकेट में सेंट्रल मेंशन होना चाहिए। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं, नीचे ब्रैकेट में, छोटा सा ब्रैकेट में इस तरह से मैं बता देता हूँ, आप देखेंगे इस तरह से सेंट्रल, नीचे देखिएगा कि वहाँ पर नोटिफिकेशन के जो फॉर्मेट दिया गया इस तरह का सेंट्रल लिखा गया है। तो ये चीज़ आपके सर्टिफिकेट में होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी हुई थी जिन लोगों के सर्टिफिकेट में सेंट्रल मेंशन नहीं था उनको SSC के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोविजनल दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर क्या इशू होने वाला है। यदि आपका सर्टिफिकेट हिंदी में है या इंग्लिश में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लैंग्वेज को लेकर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, किसी भी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके कमेंट के बारे में। आपने जो कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था, देखिए यहाँ पे कमेंट का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट में आया था कुलदीप राजपूत जी का, सर ओल्ड चलेगा क्या। तो देखिए, आपका जो सर्टिफिकेट यदि ओल्ड है,
आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर इससे डिफरेंट है तो वहाँ पे नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे प्रोविजनल दे दिया जाएगा या आपको बोला जाएगा कि आपकी जो नेक्स्ट प्रक्रिया का जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे कि आपका जो हो जाएगा ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको जो मेडिकल होगा वहाँ पर आपको फिर से डॉक्यूमेंट फिर से जाँच करानी पड़ेगी, आपको प्रोविजनल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शशि जी ने पूछा है, ओबीसी का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, अब बनाओ तो वैलिड होगा प्लीज़ बताएं। देखिए यहाँ पर ओबीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो इनको बता दूं कि सेम प्रोसेस है। यदि आपका ओबीसी क्रूशियल डेट के बाद का है, जो आपका क्रूशियल डेट 31 अगस्त है, 31 अगस्त, तो इसके बाद का यदि आपका ओबीसी है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोविजनल दिया जाएगा। आशीष पांडे जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर्कल ऑफिसर का स्टेट झारखंड का चलेगा? तो देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है तहसीलदार से ऊपर का होना चाहिए, तो वो बिल्कुल चलेगा। फिर आशीष रोहल ये दूसरे हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर जीडी में ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, मतलब कहने के इनका मतलब है कि जो इनका सर्टिफिकेट है ये लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो क्या होगा? आपको प्रोविजनल दिया जाएगा, डायरेक्ट रिजेक्ट वहाँ पे नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट रिजेक्ट आपके क्वालिफिकेशन में किसी भी प्रकार के त्रुटि हो, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में होती है, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस सारी चीज़ों के लिए आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आशीष पांडे जी ने फिर से पूछा है कि EWS स्टेट का चले गया सेंट्रल का? मैंने इनका रिप्लाई बतला दिया। अगला क्वेश्चन कि EWS सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होता है? तो देखिए EWS सर्टिफिकेट आपके 1 साल के लिए वैलिड होता है। भाई यूपी का एक EWS बनता है, सेंट्रल या स्टेट अलग अलग बनता है, प्लीज बता दो। दिव्यांश दुबे, तो सर आप इस चीज़ के लिए गूगल कर सकते हैं, आप मेरे से बेटर पता कर सकते हैं कि आपके स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के क्रिटेरिया से मैच करता है या नहीं, आप खुद इस चीज़ को गूगल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। काफ़ी मेहनत करने के बाद वीडियो बनाना पड़ता है, काफ़ी समय भी देना पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।